अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद फ़हद हाशमी फ़ोटो से और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं उर्सा मिनी प्रो 4.6 के कैमरा। मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ, उर्सा मिनी से पहले इसका एक मॉडल था उर्सा जो बहुत कामयाब रहा, फिर उर्सा मिनी 4.6 के प्रो फाइनलाइज इस वक्त जो सबसे अप टू डेट मॉडल है, आज हम उसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। और एक बात बताता चलूँ कि ये एक फ़्लेम मेकिंग कैमरा है, मुकम्मल फ्लेम मेकिंग कैमरा। अगर आपके पास एक बजट कम है और आप एरी अलेक्सा या रेड से बाय नहीं कर सकते, तो आप इस कैमरे को लेकर एक कंप्लीट फ्लेम आप शूट कर सकते हैं। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड आ रही हैं, कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करती है और क्या नहीं करती, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये हमने अनबॉक्स कर लिया है। सबसे पहले इसका ये है वेलकम नोट और उसके बाद डिविंची रिजॉल्व इसका स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, उसके साथ इसका यूज़र मैनुअल और इसका सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसके साथ में दिया है, जो इजीली आप इसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इसका फर्स्ट लुक मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी। तो ये कस्टमाइज कैमरा है, तो इसकी काफ़ी सारी एक्सेसरीज आपको सेपरेट बाय करनी होती हैं। और ये इसका फर्स्ट लुक है, ब्लैक मैजिक उर्सा मिनी प्रो 4.6 के, नाउ अवेलेबल एट hashmifotos.com। और ये इसका एक टच पैनल LCD भी इसके साथ में बिल्टन है। ये देखें आप, एक इतना हैंडी कैमरा है कि आप इसको इजीली आउटडोर भी शूट कर सकते हैं और इंडोर के लिए तो है ये कैमरा। ये इसका टच LCD पैनल, ये सी फास्ट कार्ड्स, इसकी दो स्लॉट्स लगाई हैं साथ में इन्होंने। इसके अलावा ये BNC कनेक्टर्स इन्होंने दिए हैं बैक साइड, और इसके फ्रंट साइड पे भी इन्होंने एक BNC आउट कनेक्टर दिया है और XLR इनपुट भी इन्होंने साथ में दी है। तो इसके हिसाब से ये बन जाता है एक प्रो कैमरा। ये इसका बेस प्लेट है, इसमें आप V-Lock ट्राईपॉड प्लेट आती है वो इजीली मिल जाती है सेपरेट, वो लेकर आप इसको ट्राईपॉड पे माउंट कर सकते हैं। पावर सप्लाई सिस्टम कंपनी ने इसके साथ में प्रोवाइड किया है, और इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, दो चीज़ें इस बॉक्स के अंदर मौजूद हैं, एक तो इसका पावर एडॉप्टर है और दूसरा इसके साथ V-Mount बैटरी कनेक्शन केबल भी कंपनी प्रोवाइड करती है, क्योंकि कोई भी बैटरी इसमें डायरेक्टली उर्सा मिनी के अंदर नहीं माउंट आप कर सकते। तो ये इसका बैटरी कनेक्शन केबल है, सेपरेटली आप V-Mount बैटरी प्लेट बाय करेंगे और उसके बाय करने के बाद उसके साथ इस केबल से आपको कनेक्शन करने होंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं इसकी कनेक्शन करते हुए भी दिखाता, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो क्या लुक आता है कि जब आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके साथ ये इसका एक हैंडी पाउच भी है छोटा, और एक इसके साथ इसकी ऑक्स केबल भी कंपनी ने साथ में दी है, लेकिन इसके साथ बैटरी, V-Lock प्लेट, इसके कार्ड्स, ये इसके साथ इंक्लूड नहीं होते। अच्छा, ये मैंने V-Lock बैटरी सेपरेट लेकर इसके साथ कनेक्शन कर लिए हैं, और उर्सा मिनी 4.6 के साथ ये मैंने दिखा दूँ एक दफ़ा आपको, और इसको डी अटैच करके, ये डी अटैच आपने यहाँ से किया, ठीक है, ये आपने दोबारा से इसके साथ कनेक्ट किया। अब आपका कैमरा बैटरी ऑपरेटेड हो चुका है, और एक अच्छी सी कोई बैटरी आप बाय कर सकते हैं, V-Mount बैटरीज hashmifotos.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसकी बैटरी प्लेट भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसकी और भी एक्सेसरीज आप बाय कर सकते हैं। ये इस तरह अटैच हो जाता है। अभी मैं इसके साथ इसकी V-Mount बैटरी लॉक लगा रहा हूँ। एरी अलेक्सा मिनी, रेड कैमरा, ब्लैक मैजिक और जितने भी बड़े तमाम कैमराज हैं उसमें इन्हीं बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कैमराज हैं, इनको एक अच्छा पावर चाहिए होता है। तो अभी ये मैंने कर लिया है, अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दूंगा। एक लेंस कनेक्ट करके इसके साथ कैनन का हम लेंस अटैच करते हैं 12, इसको अभी हमने ऑन किया, इसका डिस्प्ले अभी हमारे सामने आता है। ये हमने इस कैमरा को ऑन कर लिया है, ब्लैक मैजिक उर्सा मिनी प्रो 4.6 के अप टू डेट कैमरा है इस वक्त ब्लैक मैजिक का। इसके बाद अभी इन्होंने कोई कैमरा लॉन्च नहीं किया प्रोडक्शन फील्ड के हवाले से। हाँ, ब्रॉडकास्ट कैमराज भी कंपनी ने लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट कैमरा नहीं है, ये एक प्रोडक्शन कैमरा है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और अभी इसके साथ में एक लेंस अटैच करता हूँ, ये इसका डिस्प्ले अभी ऑन होता है तो आपके सामने इसके सारे डेटा आएगा, सब टाइमिंग, नीचे SD कार्ड स्लॉट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसका ISO और इसके कैल्विन वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, ये तमाम चीज़ें इसकी इंटरफेस पे डायरेक्टली टच है। और ये कैनन का 24-105 f/4 लेंस है जो इसके साथ मैंने फ़िलहाल अटैच किया है, इसको मैंने मैनुअल फोकस कर दिया क्योंकि ऑटो फोकस पे ये काम नहीं करता, तो इसको मैंने मैनुअल फोकस करके। और ये EF माउंट कैमरा, ये भी आप याद रखिएगा कि ये EF NPL दोनों माउंट्स में आता है,
पीएल माउंट, अगर आपको लेंसेज इस पे लगाने हैं तो आपने पीएल माउंट अलग से बाय करना है। ये इसकी डिस्प्ले आपको मैंने दिखा दी है, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, 24105 विद उर्सा मिनी 4.6K। किसी फास्ट कार्ड स्लॉट में मैंने एक कार्ड लगाया है, डेमो कार्ड है, चेकिंग कार्ड। और इसकी तीसरी चीज़, मैं इसकी BNC आउट लेकर एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का जो मॉनिटर होता है SDI इनपुट के साथ, वो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये लिलीपुट का एक अच्छा और लेटेस्ट मॉडल है। ये मैंने कैमरे से आउट ली, BNC आउट मैंने ली है, और क्योंकि इसमें HDMI आउट नहीं होती, BNC आउट लेकर फ्रंट से लिए तो आपने फ्रंट वाले ऑप्शन को ऑन करना है, अगर आपने मेन कैमरा से लिए तो मेन साइड से। तमाम ऑप्शन इसके इंटरफेस में इजीली आपको ऑपरेटिंग है, इसमें कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आ सकती। और ब्लैक मैजिक का यूज़र इंटरफेस जो है वो बहुत ईजी है। ये मैंने SDI आउट लिया यहाँ से, BNC जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से हमने इसकी LCD में इनपुट दिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा इसका और लास्ट फाइनल व्यू क्या है। तो फाइनल व्यू आपके सामने है इस वक्त, ब्लैक मैजिक उर्सा मिनी 4.6K विथ कैनन 24105 F4 लेंस। इस LCD के अंदर इसके कंट्रास्ट, इसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये 4K रेजोल्यूशन ऑपरेटेड लिलीपुट की LCD डायरेक्टर मॉनिटर है, सॉरी DOP मॉनिटर है। और ये कैमरा के ऊपर जब रिकॉर्डिंग शुरू होती है तो बास कैमराज के अंदर कैमरा की स्क्रीन गायब हो जाती है, मगर ये मैंने टेस्ट किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों जगह पर परफेक्टली आ रही है। तो ये आज की हमारी अनबॉक्सिंग थी, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब